सनी देओल स्टारर फिल्म घायल बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। घायल वर्ष 1990 की निर्देशक राजकुमार संतोषी एवं निर्माता धर्मेंद्र की एक्शन ड्रामा आधारित फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरेश पुरी तथा राज बब्बर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म घायल को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म से विजयी रही। फिल्म घायल के समकक्ष में आमिर खान की फिल्म दिल भी प्रतिस्पर्धा में रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से सुपरहिट दर साबित हुई तथा वर्ष 1990 के बॉलीवुड सिनेमा की सबसे ज्यादा वित्तीय लाभ देने में द्वितीय स्थान पर रही। फिल्म घायल को दक्षिण भारतीय भाषा में भी पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें क्रमशः 1992 में भानु प्रिया के साथ भारथन नाम से तमिल संस्करण, फिर 1998 में श्रीकांत अभिनीत गमयम नाम से तेलुगु संस्करण और शिवराज कुमार योम सुचित्रा कृष्णमूर्ति अभिनीत विश्वा नाम से कन्नड़ संस्करण सम्मिलित रही। अभिनेता सनी देओल को विशेष जूरी अवार्ड के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब नवाजा गया। शौकिया मुक्केबाज अजय मेहरा यानी कि सनी देओल मुंबई में अपने भाई अशोक मेहरा यानी कि राज बब्बर और भाभी इंदु मेहरा यानी कि मौसमी चटर्जी के साथ रहता है। अशोक एक व्यापारी है जो अपनी कंपनी में कुछ परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और भाई अजय से छुपाता है। बाद में अजय को प्रशिक्षण के लिए बैंगलोर भेजा जाता है। एक दिन अजय को एक संदेश मिलता है कि उसका भाई बैंगलोर में। जब वो होटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अशोक पहले से ही कोई संदेश छोड़े बिना जा चुका। जब वो बैंगलोर से लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई गायब। उसकी पूछताछ और पुलिस शिकायत केवल उसकी निराशा का कारण बनती है। कुछ समय बाद वो अशोक के दोस्त यानी कि अन्नू कपूर से मिलता है, जो सभी रहस्यों को प्रकट करता है। इससे पहले जब अशोक को अपने व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ा था, प्रतिष्ठित व्यापारी बलवंत राय यानी कि अमरेश पुरी उसके बचाव में आया था। बलवंत अशोक की कंपनी में भागीदार बन गया और सभी कर्ज चुकाए। बलवंत नियमित रूप से अपने अवैध व्यापार को करता रहा। बाद में अशोक बलवंत को अपराधी साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करता है। बलवंत अशोक का अपहरण करता है और उसे यह बताने के लिए यातना देता है कि उसने सबूत कहां रखा है। बलवंत सबूत मिलने के बाद अशोक को मार देता है। बाद में अजय को अपने भाई की हत्या और उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया जाता है। अजय अदालत में महसूस करता है कि बुराई की जड़ें बहुत गहरी और यहाँ तक कि उसके अपने भी उसके प्रति शत्रु हो गए। कानून व्यवस्था में उसका विश्वास कुचल जाता है। उसकी भाभी अपने पड़ोसियों की क्रूर टिप्पणियों को सहन करने में सक्षम नहीं होती और आत्महत्या कर लेती। ये फिल्म अपनी कहानी की वजह से और अभिनय शैली की वजह से सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म को आज भी लोग अपने घरों में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फिल्म पारिवारिक तानों बानों के बीच भाई भाई के प्रेम को दिखाती है। सनी देओल की फिल्म घातक रिटर्न्स का बजट कितना होगा? सनी देओल के दुश्मन सनी देओल के बारे में क्या कहते हैं? आखिर संतोषी सनी देओल के साथ ही क्यों फिल्म घातक रिटर्न्स बनाना चाहते हैं? क्या वजह थी कि 16 सालों तक इन दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं बनाई? दोस्तों सनी देओल इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों में व्यस्त हैं। घायल सीक्वल के बाद सनी देओल ने यमला पगला दीवाना सीक्वल के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं। वहीं ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सनी अपने सुपरहिट फिल्म घातक को भी एक फ्रेंचाइजी का रूप देना चाहते हैं। सनी देओल ने घातक 2 को लेकर राजकुमार संतोषी से भी बात की है। दामनी, घायल और घातक जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी लगभग 22 सालों के बाद साथ आने वाली है। ये दोनों एक बार फिर पर्दे पर घातक को दोहराना चाहते हैं और इसके लिए इसके सीक्वल घातक 2 के लिए बात कर रहे हैं। 90 के दशक में सनी देओल के साथ हिट फिल्म दे चुके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी लगता है कि एक बार फिर घातक स्टार के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। इन दोनों ने 90 के दशक में घायल, दामनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। हालांकि दोनों के बीच कुछ विवाद की भी खबर बीच में आई थी, जब दोनों ने शहीद भगत सिंह के ऊपर एक ही साल में 2 अपनी अपनी फिल्में रिलीज की। राजकुमार संतोषी ने साल 2002 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह पेश की थी, जबकि इसी साल सनी की 23 मार्च 1931
शहीद रिलीज हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने बीते 16 सालों में साथ काम नहीं किया, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है कि दोनों एक बार फिर से साथ काम करने की प्लानिंग में हैं। दरअसल ये दोनों एक बार फिर पर्दे पर घातक को दोहराना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से सनी इस योजना में क्रिएटिवली इन्वॉल्व है और उन्हें भाग 2 की कहानी भी अच्छी मिल गई है। ये एक बार फिर एक्शन फिल्म होगी जिसमें वो लीड रोल निभाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म को साजिद कुरैशी प्रोड्यूस करने वाले हैं। साजिद ने बीती दफा सनी देओल के कजन अभय देओल के साथ फिल्म नानू की जानू को प्रोड्यूस किया था। सूत्रों ने कहा इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। डायरेक्टर और एक्टर लगातार स्क्रिप्ट के स्तर पर इसे बेहतरीन बनाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ गुप्त रखा जा रहा है। इसके अलावा सनी 2 और फिल्मों के लिए सोच विचार कर रहे हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म डायरेक्टर के पास कुछ स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने सनी देओल को सुनाई है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों फतेह सिंह नाम से एक पीरियड ड्रामा फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी समय है। इसके अलावा संतोषी सनी के साथ भारत पाक विभाजन पर आधारित फिल्म जिस लाहौर नाई देखा ओ जमाइना पर काम करना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले उनकी योजना घातक 2 करने को है। सनी देओल ने अपने करियर की बेहतरीन फिल्में घायल, घातक और दामिनी राजकुमार संतोषी के निर्देशन में की है। इन फिल्मों में अलग ही सनी देओल को देखने को मिला। ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही बल्कि क्रिटिक्स से सराहना और कई पुरस्कार भी हासिल किए। सनी के भाई बॉबी देओल की भी बर्दाश्त के जरिए संतोषी ने ही लॉन्च किया था। इसके बाद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म को लेकर संतोषी और सनी में तलवार खींच गई। सनी चाहते थे कि बॉबी को लेकर संतोषी भगत सिंह फिल्म बनाए, जबकि संतोषी ने अजय देवगन के साथ भगत सिंह पर फिल्म शुरू कर दी। सनी ने बॉबी को लेकर फिल्म बनाई। दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज होकर असफल रही। सनी भी किसी को आसानी से माफ नहीं करते, लिहाजा संतोषी के साथ उन्होंने बाद में भी काम नहीं किया। इधर संतोषी ने बिना सनी के कुछ फिल्में बनाई, लेकिन सनी वाली सफलता दोहरा नहीं पाए। संतोषी का काम करने का तरीका थोड़ा लापरवाही भरा है, इसके कारण वो आर्थिक विवादों में भी फंसे। लेकिन एक बड़ी फिल्म पावर बंद हो गई, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर जैसे सितारे थे। संतोषी एक प्रतिभाशाली निर्देशक है, लेकिन पिछले कुछ समय से बेकार बैठे हैं। हाल ही में आनंद एल राय ने अपने बैनर की एक फिल्म संतोषी को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि एक सुखद फैसला है। इसे हम संतोषी की वापसी भी मान सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि संतोषी ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही होगा। हाल ही में संतोषी ने सनी देओल से मुलाकात की। इसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि क्या फिर सनी और संतोषी साथ फिल्म में काम करने जा रहे हैं। सनी देओल ने संतोषी और अपना एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, घायल, घातक और दामिनी के निर्देशक और अभिनेता। इससे इस बात को और बल मिला कि दोनों ने एक साथ फिल्म करने को लेकर बात की। और खबरों की माने तो जल्द ही धमाकेदार खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर वो कौन सी खासियत है जो सनी देओल को किसी अन्य अभिनेता से बेहद अलग बना देती है। आखिर वो कौन सी बात है, उनके मंच पर आते ही आप उनसे चाहकर भी नजरें नहीं हटा सकते। आखिरकार उसका जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल काम भी नहीं है। एक मासूम सी शक्ल में एक महानायक की छवि लेकर जीने वाला अभिनेताओं में से सनी देओल अकेले ही लगते हैं। दीवानगी का आलम जो आपने सलमान खान के लिए देखा है, उससे आप 10 से गुणा कर दीजिए और उसमें पागलपन को मिला दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सनी देओल के फैंस उनके लिए किस हद तक जाते हैं। अगर वर्तमान अभिनेता टकीला जैसे हैं, तो सनी देओल वो वाइन हैं जिसका नशा धीरे से चढ़ता है और जो आपका साथ नहीं छोड़ता। दरअसल फिल्मों में अमिताभ और धर्मेंद्र के बाद जो एक्शन का स्तर सनी देओल ने संभाला है, उन्होंने भारतीय फिल्मों में बजट की कमी कभी देखने ही नहीं दी। जरा इस बात पर आप गौर करें कि हॉलीवुड एक्शन हीरो को किसी को मारने के लिए लोहे का बनना पड़ता है, सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ना पड़ता है, लेकिन सनी देओल के पर्दे पर उतरते ही उनका वो हाथ काम आता है जिससे उन्होंने घातक फिल्म में मजदूर का हाथ कहा है, जो लोहा पिघला कर भी आकार बदल देता है। गदर एक प्रेम कथा के समय तो ये आलम था कि छोटे सिनेमा घरों जैसे मरेठ, मुरादानगर इत्यादि में मैंने उनके चाहने वालों को सीट फाड़ते हुए देखा है। ये आपको भयभीत या आतंकित कर सकता है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि उनका पर्दे पर किसी को मारना आदमी की आदमियत को जिस कदर झकझोरता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उनके व्यक्तित्व में जिस कदर की मर्दानगी आपको दिखती है, वो छातियों के बालों को साफ करके नाचने वाले किरदारों से बिल्कुल अलग है। और इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर गदर का हैंडपंप किसी और अभिनेता ने उखाड़ा होता, तो शायद हमारे लिए वो बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो काम ऐसे जट सीख ने किया, जो जब दहाड़ता है तो हर कोई
मिमियाने लगता है, जिस बॉडी बिल्डिंग के लिए आज हर अभिनेता श्रेय ले रहा है। दरअसल वो कसरती बदन सबसे पहले हमें उनके अंदर ही दिखा था, जिसे वक्त के साथ वो उभारते गए। अगर आपको घायल फिल्म की शुरुआत याद है तो आपको याद होगा कि फिल्म की शुरुआत में ही उन्हें जेल में काम करते दिखाया गया, जिससे उनके कसरती बदन को परोसा जा सके और दर्शक इस बात को समझ सके कि वो रैम्बो के बाप से मिलने वाले हैं, जिसका बदन इतना कठोर है, इसका इरादा वो कैसे आगे जाकर जाहिर करते हैं। ये पहली फिल्म घायल की कहानी है, लेकिन यदि उन्हें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है तो आपको उनका धीर गंभीर व्यक्तित्व नजर आएगा। जहां आजकल सीरियल में काम करने वाले लड़का लड़कियों की फौज मीडिया में उछल उछल कर बात करती है, वही सनी हल्की फुल्की बातें करते हैं। उन्हें देखकर या सुनकर नहीं लगता कि कोई नकलीपन है, बल्कि उनमें सुलझे हुए व्यक्तित्व की पहचान उनकी यही चुप्पी है। वो तैयारी करके भाषण देने वालों में से नहीं है, वो जो दिल में होता है उसे साफ कह देते हैं। मार्केटिंग के ऐसे दौर जहां हर कोई बोलना चाहता है, ऐसे शांत व्यक्तित्व को खोजना भी बेहद मुश्किल है। अब सालों बाद वो घातक रिटर्न में दिखेंगे। ट्विटर पर ये फोटो देखकर यही लग रहा है कि शेर एक बार फिर से दहाड़ेगा और सभी मिमियाएंगे। दोस्तों, घातक फिल्म की बजट बताई जा रही है लगभग 350 करोड़, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर सनी देओल इस बार प्रमोट करेंगे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बॉलीवुड के गिने चुने एक्टर्स में शायद एक ही एक्टर ऐसे हैं जिसके एक्शन को लोग देखना पसंद करते हैं। उनके विलन को मारे एक मुक्के पर दर्शक थिएटर में अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं, वो एक्टर है सनी देओल। बॉलीवुड में 80 के दशक से लगातार हिट फिल्में देते आए सनी देओल को लोग एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन करते देखना चाहते हैं। हाल ही में सनी देओल की फिल्म घायल रिटर्न आई थी, जिसमें उनका जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिला। हालांकि ये फिल्म सनी देओल ने खुद निर्देशित की थी, इसलिए एक्शन सीन उतने उम्दा नहीं हो पाए जितना कि सनी देओल को कोई और डायरेक्ट करता है तब होते हैं। लगभग 17 साल पहले 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी थी। इस फिल्म ने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर एक नया इतिहास रच दिया था। उस समय गदर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सालों तक गदर के इस रिकॉर्ड को कोई और फिल्म तोड़ नहीं पाई थी। एक बार फिर ये लोकप्रिय अभिनेता निर्देशक जोड़ी एक नई फिल्म लेकर गदर मचाने आ रही है। सनी और अनिल ने हमेशा दर्शकों के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप को साझा किया है। अनिल ने अपनी नई फिल्म कवच की स्क्रिप्ट सनी देओल को सुनाई और वो तुरंत फिल्म का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। ये उन दोनों की एक साथ 5वीं फिल्म होगी। उनकी पहली फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई थी, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। उसके बाद सनी और अनिल ने एक साथ इन तीनों फिल्मों में भी काम किया। 2002 में द हीरो, 2007 में अपने, 2013 में सिंह साहब द ग्रेट, और अब लगभग 5 साल बाद वो फिर एक साथ आ रहे हैं। अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म के तुरंत बाद इस फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। अनिल कवच फिल्म का निर्माण साल 2018 में शुरू करेंगे और फिल्म को जनवरी 2019 में तय कार्यक्रम के आधार पर रिलीज होने की उम्मीद है।